हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। आज बना रही हूँ मैं लिट्टी चोखा। कढ़ाई गरम कर ली हूँ, इसमें तेल सरसों का डाल दी हूँ। थोड़ा सा इसमें गरम हो गया जीरा डाल देती हूँ। जीरा पक चुका है, इसमें लाल मिर्ची डाल देती हूँ। इसमें कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन को कट कर ली हूँ, इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से पका लेती हूँ इसको लाल करके। पूरा पक चुका है, पूरा लाल हो गया है। इसमें सत्तू डाल देती हूँ, चना का सत्तू। इसमें नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ प्लेट में। गरम है, ठंडा होगा। कढ़ाई को उतार देती हूँ। बैंगन को पका के रखी हूँ, इसको अच्छे से छील लेती हूँ। ठंडा हो रहा है तब तक सत्तू, आटा को गूंद लेती हूँ। आटा गूंदा हुआ है, इसको साइड में रख देती हूँ। सत्तू भी ठंडा हो गया है, इसमें धनिया की पत्ती मिक्स कर देती हूँ। आधा नींबू है, नींबू को इसमें रस निकाल के गार लेती हूँ अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और आधा नींबू इसमें डाल देती हूँ। एक नींबू पूरा ही लग जाएगा। बन गया गोल गोल करके ऐसे बना लेती हूँ। कढ़ाई गरम हो चुका है, थोड़ा से
आटा डाल के देख लेती हूँ। बिल्कुल गर्म हो गया है, थोड़ा सा सिम कर देती हूँ। इसमें बनाया है डाल देती हूँ। पांच छह करके डाल दी हूँ। बन के रेडी हो गया है। इसको निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से इसको डाल देती हूँ। हेलो दोस्तों, बन गया लिट्टी और चोखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।